दोस्तों पोको M4 Pro 5G लॉन्च हो गया है 5000 mAh बैटरी के साथ। इसके अलावा डायमेंसिटी का 5G प्रोसेसर, एक अच्छा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, तो ग्लोबली लॉन्च हो गया है। इसका मतलब इंडिया में भी ये काफी जल्द लॉन्च किया जाएगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो चाइना में Redmi Note 11 लॉन्च किया गया था, ये उसी का रीब्रांडेड वर्जन है, और इंडिया में ये विद इन 15,000 लॉन्च किया जाएगा। तो अगर आपका भी बजट 15,000 के अंदर है और आप एक पोको लवर हो, तो इस स्मार्टफोन को एक बार जरूर देख सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या कुछ इसमें देखने को मिल सकता है, एक्सपेक्टेड प्राइस, इंडिया में ये कब तक आएगा, जानेंगे सारी डिटेल्स। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। चैनल पर नए हो या आवाज पहली बार सुन रहे हो, तो हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आप सभी से, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में ऐसे ही तगड़े कंटेंट आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों शुरुआत करते हैं इसके डिस्प्ले एंड डिजाइन के बारे में। तो यहाँ पे जो बैक साइड है वो फ्लैट स्क्रीन के साथ आने वाला है, और जो कैमरा मॉड्यूल है वो मुझे लगा कि मी 11 अल्ट्रा सीरीज से काफी ज्यादा मैच कर रहा है। और फ्रंट साइड की वहीं हम लोग बात करें तो 6.6 इंच का जो कि बड़ा डिस्प्ले है FHD प्लस LCD पैनल के साथ आएगा, जहां पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाएगा, एंड सेंटर पंच होल कटआउट डिस्प्ले जहां पे आपको सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया जाने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ड्यू टू सुपर एमोलेड स्क्रीन न होने की वजह से इसमें इन डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं किया गया है। दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं इसके कोर स्पेसिफिकेशन यानी परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहां पे आपको MediaTek Dimensity 810 का 5G SoC देखने को मिलेगा विद Mali-G57 MC2 GPU फॉर गेमिंग स्पेशली। तो कितने भी बड़े गेमिंग यूजर हो आप, इजीली ये डिवाइस उसे टैकल करने वाला है। आसानी के साथ अच्छे गेम्स आप इजीली हाई HD ग्राफिक्स पे एंजॉय कर पाओगे। मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस के साथ ही स्मार्टफोन आपको लॉन्च होने को देखने को मिलेगा इंडिया में। 4GB 64GB 6GB 128GB 8GB 256GB एंड 8GB 128GB। तो एज पर योर प्राइस सेगमेंट यू कैन चॉइस एनीथिंग। साथ ही एंड्रॉइड फीचर्स में ये आने वाला है एंड्रॉइड लेटेस्ट 11 के साथ, जो कि बेस रहेगा MIUI 12.5 के कस्टम स्किन सपोर्ट में। और कनेक्टिविटी फीचर्स में इसमें आपको 5G 4G LTE डुअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ GPS एंड USB टाइप सी पोर्ट का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके कैमरा ऑप्टिक्स के बारे में। तो रियर साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी लेंस 50 MP का होने वाला है, जो कि आएगा 8 MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ और 2 MP के माइक्रो लेंस के सपोर्ट के साथ। तो कैमरा के मामले में जो प्राइमरी सेंसर है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, सिमिलर ही है Redmi Note 11 सीरीज से अगर आप कंपेयर करोगे तो। इसके साथ ही जो फ्रंट की बात करें तो 16 MP का सेल्फी स्नैपर फॉर वीडियो चैट्स एंड पोर्ट्रेट सेल्फीज के लिए प्रोवाइड किया जाने वाला है। तो कैमरा ऑप्टिक्स में भी बजट सेगमेंट में मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है ये डिवाइस। बैटरी सेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो 5000 mAh की बैटरी 33W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके स्मार्टफोन को 1.5 आवर के भीतर फुल चार्ज कर देने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो जो यूरोप में इसका प्राइस लिस्ट हुआ था वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था, इंडिया में ये चीपर प्राइस के साथ लॉन्च किया जाएगा। 464GB का मॉडल 13,000 से 14,000 के बीच में मैक्सिमम जा सकता है, और जो हायर वेरिएंट है वो 17,000 से 18,000 तक आ जाएगा। अब दोस्तों बात करें इसके इंडिया लॉन्च के बारे में, तो अभी तक कोई कंफर्मेशन तो क्लियर नहीं है, बट दिसंबर के एंड तक ये स्मार्टफोन इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों आपको 15,000 में देखने को मिल जाएगा एक 5000 mAh की बड़ी बैटरी विद 33W फास्ट चार्जिंग, MediaTek के Dimensity 810 का 5G SoC, 6.6 इंच वाला एक LCD डिस्प्ले, इसके साथ आपको 50 MP वाला प्राइमरी रियर कैमरा, एक कॉम्पैक्ट डिवाइस आप इसको कह सकते हो अंडर 15,000 फ्रॉम पोको। तो अगर आपका भी बजट इतने के ही रेंज में है तो इस डिवाइस को एक बार आप जरूर देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। मिलता हूँ ऐसे ही तगड़े और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ लवली डे एंड स्टे सेफ।